कट गया कट गया कट गया। क्या कर रही है यार? वेलकम बैक गाइस, मैं हूं विनीत और स्वागत है आप सभी को विनीत एंड प्रिया ब्लॉग में। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सभी को, और इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं, आज संडे को मैं ब्लॉग करता ही करता हूं 100%। तो मेरा वाइफ आज पहली बार बिरयानी बनाई है, चिकन पुलाव बनाई है पहली बार। तो देखते हैं, ये प्रिया, विनीत प्रिया जो बोले तो ये है विनीत और ये है प्रिया, ठीक है। तो ये बनाए हैं, तो चलते हैं देखते हैं। और ये पहली बार है, मैं तो डर के मारे बोला कि भाई मेरे लिए पूरा, मतलब पुलाव अगर बन रहा है या जो भी बन रहा है तो पूरा का पूरा मत बनाना, थोड़ा सा साइड में रखना, कि अगर मान लीजिए खाने वक्त अगर अच्छा ना लगे तो अपना साइड वाला हम खा लें, ठीक है। इसीलिए ठीक है, तो मैं अपना सेफ साइड खेल लिया हूँ। अब देखते हैं कि कैसा बना है, और मम्मी पापा लोग शायद मम्मी पापा खा रहे हैं, तो देखें कैसा लग रहा है और कैसा लगता है। ये है मैडम, मैडम का भी कैमरा इधर रेडी है, देख सकते हैं। ये भी शायद कुछ ब्लॉग या कुछ बना रही है, ठीक है। तो ये हम दोनों का चैनल है जिसपे हम दोनों काम करते हैं। अब चलते हैं, आपको ले चलते हैं किचन में, और किचन में ले चल के बताते हैं, ठीक। तो चलो चलते हैं किचन में। पापा खाना खा लिए। खाना खा लिए, वेरी गुड। क्या खाया? चिकन भात। भात तो बना नहीं बेटा, कैसे खाए? तो ये देख सकते हैं, ये बन के पूरा रेडी हो गया, पूरा रेडी ऑलरेडी बना हुआ है। और इसको खोल के अब देखेंगे कैसा है, थोड़ा सा निकाल के मैडम दिखाएगी, थोड़ा सा नहीं पूरा दिखा, ठीक है। गर्म है भाई, रख दो। अच्छा, तो ये देख सकते हैं, ये चिकन है, ऑलरेडी बन चुका है। देखने में तो बहुत ही मतलब बहुत ही स्वादिष्ट देखने में ही लग रहा है, बहुत मज़ा आएगा। ये पुलाव है, और ये पुलाव इधर है, थोड़ा सा निकाल के दिखाओ। पनीर पुलाव बना, ये देख सकते हैं, पनीर वनीर भी इसमें डाला हुआ है। एक बार मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा देखने में आपको, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये है पुलाव, क्या लग रहा है भाई। थोड़ा सा चलाइए। वाह, मटर पुलाव, इसमें पनीर वगैरह सब कुछ है, चावल है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये है चिकन, ठीक है। तो मैडम वो प्रिया बहुत मेहनत की है, देखते हैं खाने में अब कितना मेहनत लगता है, कितना मज़ा आता है खाने में। सबसे पहले तो देखने में ख़राब नहीं लग रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो ख़राब होगा। अगर मान लीजिए कि टेस्ट अगर इधर उधर रहा तो मैं आपको वीडियो एक बनाऊँगा और बता दूँगा कि भाई इसके जैसा आप लोग पुलाव मत बनाना, ठीक है। तो ऐसा होने वाला नहीं है, तो अच्छा ही लगेगा। प्रिया कुछ बोलो, कितना टाइम लगा इसको बनाने में? एक घंटा पूरा लग गया, और संडे है तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए एक घंटा देना भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हुआ क्या, आज अभी हम जा रहे थे सेविंग कराने के लिए, देखो ये याद दिलाई, मैं बोलने वाला वही था लेकिन भूल गया था। सेविंग कराने जा रहे थे तो प्रिया बोली कि एक काम करते हैं, मैं बना देती हूँ, एक बार ट्राई करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ख़राब हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, सैलून में चले जाएंगे। कट गया। क्या कर रही है यार? फाइनली आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रिमिंग करके, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल से, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो कितना अच्छा प्रिया बना दी है, तो नॉट बैड बोलेंगे, काफ़ी अच्छा है, काम चलाने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो अब शायद हो सकता है कि नेक्स्ट ड्यूटी दे देंगे, ये पहली बार है, नेक्स्ट करते करते कभी अच्छा से सीख पाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अच्छा ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।